हेलो एवरीबॉडी, ये है अपना किया सेल्टॉस का HTX वेरिएंट। और कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने दिखाया था कि कार का स्पीकर सिस्टम कैसा है। रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, इस कार में आपको 6 स्पीकर सिस्टम मिलता है, मतलब चारों डोर्स पे आपको 4 स्पीकर और अगले वाले डोर्स पे आपको 2 ट्विटर मिल जाता है। HTX वेरिएंट इसलिए इसमें आपको कोई बोस के स्पीकर नहीं मिलते, इसके जो ऊपर वाले वेरिएंट है उसमें आपको बोस के स्पीकर मिलना स्टार्ट हो जाता है, 8 स्पीकर सिस्टम, ठीक है। तो इसके साउंड आउटपुट पे मैंने ये बताया था, सामने वाले जो स्पीकर्स हैं ना उनकी साउंड बहुत ही अच्छी है, मेरे को बहुत ही पसंद आती है। बट पीछे वाली स्पीकर की साउंड मेरे को बहुत ही बेकार लगती है। क्यों? सामने वाली स्पीकर आपको आर्कमिस के मिलते हैं और कंपनी का तो कहना है कि चारों आपको आर्कमिस का ही सिस्टम मिलता है, बट मेरे को नहीं लगता कि पीछे ये लोग आर्कमिस का देते। क्यों? क्योंकि पीछे ना आपको लाउडनेस मिलती है उस लेवल की, मानो आपने 13 की वॉल्यूम पे साउंड कर रखा है, तो सामने आपको जिस प्रकार का वॉल्यूम मिलेगा ना, पीछे उसका आपको ऑलमोस्ट कह सकते हो आधा वॉल्यूम मिलेगा, कुछ आपको वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। और साउंड क्लैरिटी भी पीछे आपको बकवास ही मिलने वाली है। सामने आपको बढ़िया आपको बेस मिलने वाला है, क्लैरिटी जो ट्रेबल वेबल बिल्कुल परफेक्ट आपको मिलता है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, मेरे को कोई सामने वाली स्पीकर से शिकायत नहीं है। बट पीछे वाले लोग हमेशा कंप्लेन करते कि भाई तू साउंड बढ़ा दे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मैं स्पीकर की खोज कर रहा हूँ पीछे वाले के लिए। फाइनली भाई मंगवा लिया है बूडमो से। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है क्योंकि बूडमो का जो मेरा एक्सपीरियंस था उतना कुछ, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ठीक है बट डिलीवरी का एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं था। उस पर अगर आप चाहो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि बूडमो का कैसा सिस्टम चलता है और मेरे को क्यों पसंद नहीं आया। मैंने कौन से स्पीकर मंगवाए हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आप ज़रा तब तक गेस्ट करना। ये देखो Hyundai Genuine Parts, क्या लगता है किस कंपनी के स्पीकर? एक सेकेंड, ये देखो Hyundai Genuine Parts। अभी मैं प्राइस ढक रहा हूँ, क्यों? क्योंकि प्राइस मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, तभी तो सस्पेंस बना रहना चाहिए ना, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का पर्दाफाश मैं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं ना इस चीज़ के लिए। बता देता हूँ भाई, ये अपना है बोस का स्पीकर, बहुत मुश्किल से बोस के स्पीकर मेरे को मिल गए हैं और बिल्कुल जो 6 इंच के आते हैं, देख सकते हो मैन्युफैक्चरर और कंट्री ऑफ ओरिजिन हांगकांग है, मोबिस इंडिया, बिल्कुल जेनुइन अपना पार्ट है Hyundai का, टोटल मोबिस का अपना स्टैंप लगा हुआ। प्राइस देख के आप शॉक हो जाओ, क्योंकि बाहर जो लोग लेते हैं ना, कुछ मैंने देखा है वीडियोस में, दो दो स्पीकर के लिए 10,000 और चारों स्पीकर के लिए 20,000, इतना तो लेते ही है, और इससे ज़्यादा भी कई लोग मैंने देखा है। तो जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तभी टोटल एक्सपोज हो जाएगा सीन। मैंने फिलहाल मंगवा लिया है दो, क्योंकि दो ही अवेलेबल थे और मेरे को दो ही चेंज करवाना था। मैं क्या सोच रहा पता है, आर्कमिस के जो सामने स्पीकर है ना इनको मैं पीछे कर दूँ, पीछे वाले जो है उनको हटा दूँ और बोस वाले सामने कर दूँ, इससे आई गेस सेटअप थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। मैं अभी आपको इसको खोल कर दिखा दे रहा हूँ कि इसका कैसा सिस्टम है। देखो सर, बिल्कुल मस्त अपना बोस का सिस्टम है, लोगो देख सकते हो, बोस Hyundai Kia मेड इन मेक्सिको, टोटल इन्फॉर्मेशन जो भी आप देख सकते हो, इसको स्कैन कर भी आपको समझ में आ जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टिकर चिपकाया है, अभी मैं आपको एक लोगो भी दिखा देता हूँ, कहाँ पे है ये देखो, देख सकते हो बोस का लोगो, तो अपना जेन्युइन बिल्कुल बोस का स्पीकर है। और भाई इसको मिलना इतना मुश्किल है ना, नॉर्मल आप किसी दुकान पे जाओगे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। फिर कंपनी के मैंने सर्विस सेंटर पे भी खूब पूछा किया वालों पे, उनको भी मतलब उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं दे सकते हम लोग, तो बहुत मुश्किल से ही मिला। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिलीवरी एक्सपीरियंस का। फिलहाल जाते किसी एक्सेसरी शॉप पे और इस पे मैं बोस के स्पीकर चढ़वा देता हूं। और मैं सोच रहा हूं कि चारों डोर्स पे डैम्पिंग भी करवा दूं, जिससे कि और भी बढ़िया अपना साउंड आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं एक्सेसरी शॉप पे। ये देखो भाई एक्सेसरी स्टोर पे आ चुके हैं, स्पीकर की बात हो चुकी है और डैम्पिंग की भी मैंने बात कर दी है, और ये लोग बता रहे थे कि भाई चारों डोर का 10,000 रुपये लेंगे। भाई 10,000 रुपये में कौन लगवाएगा भाई चारों डोर पे डैम्पिंग? अब बात चल रही थी, मेरा एस्टिमेट था 2,500 में हो जाएगा, बट देखते भाई अगर नेगोशिएट होता है कुछ अलग क्वालिटी अगर हल्की थोड़ी सी भी चलेगी, बट 10,000 रुपये तो भाई कतई ना मैं लगा रहा इस पे। ये देखो अपना डोर का पैनल खुलता हुआ, अब अंदर देखेंगे कि क्या ऐसा स्पीकर ये लोग देते हैं। स्पीकर देख सकते हो और यहाँ पे कवरिंग भी देते हैं किया वाले, बढ़िया भाई बढ़िया, अंदर ताकि धूल मिट्टी ना जाए। ट्विटर भी अपना घर जो कनेक्शन ये खुलता हुआ, क्या देख सकते हो, ये देखो डोर के अंदर अपना ऐसा सिस्टम ही दिखता है। ट्विटर वगैरह आई गेस यहाँ पे कनेक्टेड था, पता नहीं कहाँ गया। और स्पीकर अपना यहाँ पे है, और ये तो आर्कमिस का स्पीकर, इससे तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है, ये बढ़िया अपना है। और वो उसके
थोड़ा अलग डिज़ाइन होता है बोस वाले का। मेन दिक्कत तो पीछे से ही है, पीछे का डोर भी अपना खुलता हुआ। और ये तो बढ़िया ही है, अपना टोटल पैडिंग यहाँ पे इन्होंने किया है, ये बढ़िया चीज़ है। और जो अपने सामने ऐसे डोर वोर खुलता देखते हो ना, बहुत ही मतलब बुरा सा लगता है कि ऐसी हो रही है। खैर देखते क्या होता है। और डैम्पिंग का बता रहे भाई, ये देखो ये अपनी शीट है, इसका क्या करेंगे क्या नहीं देखते हैं। टोटली रेट के ऊपर है। ये देखो ये अपने हैं पिछले वाले स्पीकर। अब भाई बाहर से तो बिल्कुल सामने वाले की तरह लग रहा है। अब जरा देखो इसको, क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ बैजिंग वैजिंग है भी कंपनी का? कंपनी का तो कुछ बैजिंग वैजिंग है नहीं, आर्कमिस वगैरह कुछ, बट हिसाब से मेरे को लग रहा है। ये देखो इधर लिखा हुआ है किया का लोगो, ये देखो। और ये मेड इन वियतनाम है। और आर्कमिस की तो कोई ब्रांडिंग नहीं है, बट जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है देखो इसकी साइज इतनी है। अब सामने वाला का भी एग्जैक्ट सेम साइज है, तो इसका क्या सिस्टम है भाई? ये तो देखो इसकी डिज़ाइन और उसकी डिज़ाइन बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो अगर सेम ही चीज़ दोनों है तो पीछे साउंड क्यों नहीं आता, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। पता नहीं भाई कैसा इन्होंने सिस्टम लगा रखा है किया वालों ने। और अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो मैं बोस को आगे लगा कि इसको पीछे नहीं करने वाला फालतू में, तो मैं बोस को ही डायरेक्ट पीछे लगवा दूंगा, जिससे कि थोड़ा और बेटर हो जाए। क्योंकि अगर दोनों एग्जैक्ट सेम है तो इंटरचेंज करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। बट ये सेम कैसे हो रहा है यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इसकी साउंड इतनी अच्छी है, उसकी साउंड बिल्कुल घटिया है। पता नहीं भाई क्या सिस्टम है किया वालों का। है अगले वाले स्पीकर्स खोल रहे हैं, जिससे कि हम पीछे वाले स्पीकर के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना मिनी कंपैरिजन हो जाए। ये अपना पीछे वाला स्पीकर है और ये बोस का स्पीकर है। भाई दोनों में देख सकते हो साइज़ में तो ऑलमोस्ट सेम सा ही है, बट क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बिल्कुल हल्का सा है, देखो एकदम हल्का सा है। अब देखो आप कैसे समझोगे, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। इसमें तो डिज़ाइन आप देख सकते हो दोनों की ऐसी है, पीछे से ये ऐसी लगती है और ये ऐसी लगती है। ये भाई इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है इससे, ये बिल्कुल हल्की सी है। मतलब अगर वेइंग मशीन होता तो मैं आपको समझा पाता। तो बोस को रखते हैं अंदर और आगे वाले के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ये देखो ये अपने अगले वाले स्पीकर और ये पिछले वाले, दोनों में 1% भी कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जो बैजिंग, यहाँ पे भी वही बैजिंग। ये देखो साइज़ भी सेम, वेट भी बिल्कुल सेम। तो पता नहीं क्यों साउंड में इतना फ़र्क है। तो आगे को तो वापस हम आगे ही लगवा देंगे और बोस वाले को फिर पीछे लगवा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे अपना बोस का डल जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली सोचा कि डैम्पिंग करवा ही लेते हैं। अब उसके लिए ये जो कवरिंग है इसको इस तरह से उछालना पड़ता है। देखो ये वापस लग जाएगा ना, ये इसको ऊपर दीजिएगा तो वापस से लग जाएगा, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। लगा दीजिए बेकार, अंदर धूल उल जाएगा उससे बढ़िया। ये तो पूरा बंद हो जाएगा। ये देखो ये जो अपना कपलर है एग्जिस्टिंग किया का, ये अपने बोस वाले पे एग्जैक्टली नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक देख सकते हो यहाँ पे ये जो दो इस प्रकार के लाइंस है वो यहाँ पे नहीं घुसेगा, क्योंकि ये जो लाइन के स्पॉट है ये वाले थोड़े से नैरो है, लेकिन कपलर वाले थोड़े से वाइड है, जिससे कि अंदर नहीं घुसेगा। इसके लिए क्या करना है, ये जो दोनों लाइन्स है इसको जस्ट एक कटर से हमको छीलना है। इसमें कोई वायर कटिंग कुछ नहीं हो रहा, जो टोटल मैं सेटअप कर रहा हूँ ना, कोई वायर कटिंग कुछ नहीं हो रहा, जस्ट कपलर भी चेंज नहीं हो रहा। ये जो ऊपर वाला उठा हुआ है इसको छील के प्लेन कर देंगे और ये अंदर ये घुस जाएगा। बोस के स्पीकर्स लगाना हो चुका है कंप्लीट और हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। और 200 रुपये का अपना वो क्या कहते हैं फिटिंग चार्ज लगा वहाँ पे। और
जो वो उसका स्पीकर है भाई, बढ़िया मज़ा आ रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है, जो काम हुआ ना मज़ा आ गया। पीछे के दो में अपना बोस है वापस से मैं बता रहा हूँ, और अभी मैं आपको म्यूज़िक टेस्ट करवा के सुना देता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो अभी साउंड सुन लेना, मैं अभी म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ। वॉल्यूम देखो 15 पे है, पहले सामने से सुना था वो, फिर मैं पीछे जाके आपको लाउडनेस वगैरह चेक करवाऊंगा, देख लेना सामने का एक्सपीरियंस आप देख लेना। मैं अभी चुप बैठता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया था कि आगे और पिछले जो स्पीकर है उनमें कितना फ़र्क था जो पहले वाले स्पीकर थे, तो वो वीडियो आप पहले ऊपर जाके चेक कर लेना। उसमें वॉल्यूम और क्लैरिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। उसमें क्या था, सामने वाले की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी और पीछे वाले में उसका जस्ट हाफ वॉल्यूम था, जिससे कि पीछे ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता था। अब देखो वॉल्यूम का क्या है, बोस के लगवाने के बाद वॉल्यूम बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। मतलब सामने आपको बिल्कुल जो एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल, जो वॉल्यूम मिल रहा था, बिल्कुल डिट्टो सेम वॉल्यूम आपको पीछे मिलता है। तो पीछे वाले लोग आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, साउंड बढ़ाओ ऐसा कुछ। और क्लैरिटी की बात करूँ तो क्लैरिटी भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सामने और पीछे सेम है। कुछ कुछ गानों में तो कहूँगा कि पीछे ही क्लैरिटी ज़्यादा है क्योंकि बोस के है ना। और हाँ, कभी कभी सामने ट्रेबल ज़्यादा होते हैं क्योंकि सामने आपको ट्विटर मिल जाता है जो आपके पीछे नहीं मिलता। मतलब ओवरऑल जो इसका कॉम्बिनेशन बैठा है ना, बहुत ही अब मस्त हो चुका है। अब तो सोच रहा हूँ कि सामने वाले में भी बोस डलवा ले। क्या कहते हो ब्रो, आप बोलो। जी बिल्कुल डलवा दो पीछे, अब तो कान पीछे ही रखने पड़ रहे हैं। पीछे मज़ा आ रहा है ना अब? हाँ, पीछे बहुत मज़ा आ रहा है। ये भाई भी काफ़ी बैठे इस कार में, ये भी जब पीछे बैठते थे बहुत मतलब ऐसा कंप्लेन ही करते थे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, साउंड बड़ा है कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया हो गया है, अब सामने वाला भी चेंज कर लो भाई। ये तो एक नॉन कॉपीराइट साउंड था, और एक मैं आपको नॉर्मल बेस वाला गाना सुना देता हूँ, वो जस्ट 5 सेकंड में प्ले कर पाऊंगा क्योंकि उसमें कॉपीराइट पड़ जाएगा। ठीक है, अभी आप देखते रहना। सुन लिया भाई, बढ़िया मज़ा आया। मतलब अब पीछे बेस इतना बढ़ चुका है, ये जो मैं बैठा था ना पीछे, ये आर्मरेस्ट है, ये भी हल्का सा वाइब्रेट मर रहा था, मतलब बेस की जो वो चीज़ है, तो मज़ा आ गया बॉस। अब वीडियो को एंड करने से पहले फाइनली मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ कि दोनों स्पीकर मेरे को कितना पड़ा, जो कि मेन चीज़ है भाई। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ना कि दुकानदार आपको किस तरह से लूटते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि आपको MRP नहीं दिखाते। एक सेकंड रुकना। और हाँ भाई, मैंने जो चारों डोर्स पे डैम्पिंग भी करवाया था ना, उससे भी थोड़ा सा हो सकता है म्यूजिक में फ़र्क पड़ा हो। और डैम्पिंग से तो भाई डोर्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुकी है। ये पार्ट देखो, इस पे डैम्पिंग नहीं, इसको मैं ठोकता हूँ, आप ज़रा साउंड सुनना हेडफोन लगा के, देखना थोड़ा सा खोखलापन है इसमें देखो। और ये देखो, ये ऐसा है बिल्कुल जैसे कोई लकड़ी पे हम लोग ठोक रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड सा फील है। देखो इसको ज़रा फिर से सुनना, इसको देखना, इसको ठोकने में भी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। ये देखो, इसमें ठोकने तो थोड़ी सी दब रही है, लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड हो चुकी है। तो डैम्पिंग में आप करवा सकते हो अगर आपका मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो। तो ये देखो हुंडई जेन्युइन पार्ट्स, MRP स्पीकर है ये अपना है, ये सही फ्रंट डोर के लिए MRP है 2134 रुपये। मतलब एक पीस का है 2134, तो दो स्पीकर आपको पड़ेगा कुछ 2200, मतलब 2200 इसे जोड़ लेते हैं, ऑलमोस्ट 4500 के अंडर में ही आपको दो दो स्पीकर मिल जाएंगे। और अगर आप चारों स्पीकर अपना चेंज करवाते हो तो 9000 के अंदर आपका चारों स्पीकर चेंज हो जाएगा। देखो यही अपना MRP, यही है इसका असली प्राइस। तो दुकानदार अगर आपको बोलते हैं ना कि 10-10 हज़ार मतलब दो स्पीकर के लिए, या फिर चारों स्पीकर का सिस्टम चेंज करने के लिए 20 हज़ार लेंगे, तो आपको सीधा ये वीडियो उनको दिखाना है और ये चीज़ इनको दिखाना है कि देखो भाई ये असली हिसाब किताब, तो आप हमसे ज़्यादा पैसे ना मांगो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट ये अपग्रेड है।
अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो और अगर आपको उतना कुछ लेना देना नहीं है म्यूजिक से, तो पहले वाले स्पीकर भी कुछ बुरे नहीं थे भाई, मतलब ठीक ही था, उतना भी कुछ बहुत मेजर इशू नहीं था, तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करना, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना।